नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब ये सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें क्या करें कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। हम लोग को ये एक्सप्रेशन दिया गया 3 + √10/5 इंटू में 3 − √10/5 अपॉन में √3 + √10/2i − √10/3 − √10/2। इसको लोगों क्या करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। ए प्लस आई बी का मतलब हो गया रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिया इसको कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3 + √10/5 इंटू 3 − √10/5 अपॉन में यह √3 + √2i, ये −√3 − √2। आगे देखिए, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 3 + √10/5 है और यहाँ पे 3 − √10/5 है। जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है और जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, बीच में डिफरेंस किसका है, प्लस माइनस का। इसको हम लोग यदि ए लेट करते हैं तो ये भी ए हो गया, इसको बी लेट करते हैं तो ये भी बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी कितना है √10/5 2 अपॉन में देखिए √3 + √2i माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा −√3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ये √2। आगे देखिए, ये −√3 से +√3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस √5 का स्क्वायर करें तो i का स्क्वायर और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5। फिर से यहां समझिए कि √5 का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर आई स्क्वायर हो गया इंटू √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 अपॉन में ये हो जाएगा √2i, ये हो जाएगा प्लस, देखिए √2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2i, आई √2 के पहले था, इसको बाद में लिख सकते प्रोडक्ट में, तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 9 माइनस, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ये हो जाएगा हम लोग को -1 इंटू 5 अपॉन में √2i + √2i सेम टर्म है, तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा √2i हो जाएगा। आगे देखिए, ये हो जाएगा 9 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5 अपॉन में √2i। आगे देखिए, तो 9 + 5 हो जाएगा हम लोगों को 14 अपॉन में √2 और ये i, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो हो गया 7, हो जाएगा 7 अपॉन में √2 और i। आगे देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे में यहाँ पे आयोटा है, तो नीचे में आयोटा यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी दोस्तों डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहेगा। अब इसको आयोटा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, साथ में यहाँ पे रेशनल नंबर है तो √2i से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 अपॉन में √2i इंटू ये √2i अपॉन में हो जाएगा √2i। आगे देखिए, क्योंकि ये √2i है, √2 क्या है, रेशनल है और i, ये √2i से हम लोग क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 7 √2i अपॉन में √2 × √2। तो देखिए √2i यहाँ है, √2i यहाँ पे, ये √2i का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए, हो जाएगा 7 √2i अपॉन में √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × i² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और i का स्क्वायर, हो जाएगा 7 √2i अपॉन में ये 2 × हो जाएगा -1। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा 7 √2i अपॉन में ये हो जाएगा -2। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा -7 √2i अपॉन में 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग को लिखना था ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ए प्लस आई बी, यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आया, रियल पार्ट तो यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ पे इसको 0 प्लस
रियल पार्ट यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ पे यहाँ क्या किया, जीरो लगा दिए, और ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना है, माइनस सेवन रूट अंडर टू आई अपॉन में टू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फाइनल आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी इक्वल टू, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये फाइनल इसको आप इतना जो आया है ये रिजल्ट इसी को लिख लीजिए, हो जाएगा माइनस सेवन रूट अंडर टू आई अपॉन में टू। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें देखें कैसे हम लोग एक्सप्रेशन दिया गया इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर हम लोगों को ये दिया गया है, कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ थ्री माइनस टू आई इंटू में है टू प्लस थ्री आई अपॉन में वन प्लस टू आई इंटू में टू माइनस थ्री आई। देखिए इसका हम लोग को क्या करना है, कॉन्जुगेट्स निकालना, तो कॉन्जुगेट्स के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया है कि नहीं, यदि ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं दिया गया तो हम लोग पहले क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए कॉन्जुगेट्स का कंसेप्ट यहाँ पर हम देखते हैं, पहले जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे निकल करते हैं जेड से, तो मान लीजिए यहाँ पे टू प्लस थ्री आई दिया गया है, तो टू प्लस थ्री आई का मतलब क्या होगा, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हम लोग को रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में दिया रहेगा तो कॉन्जुगेट हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि इमेजिनरी पार्ट के पीछे का साइन क्या होता है, चेंज होता है, रियल पार्ट को एज इट इज कॉपी कर लीजिए और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है इसके पीछे का साइन क्या, प्लस है, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे थ्री आई एज इट इज हो गया। फिर समझिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को फाइव माइनस सिक्स आई दिया गया है, ओके, कॉन्जुगेट्स यानी कि जेड बार क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का एज इट इज कॉपी कर लीजिए फाइव, इमेजिनरी पार्ट के पीछे का साइन क्या है, माइनस है, तो इसका उल्टा लिखिए आप प्लस लिख दीजिए और ये सिक्स आई हो गया। आई होप दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट्स कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हम लोग एक्सप्रेशन दिया गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में तो यहाँ पे है नहीं, सबसे पहले ए प्लस आई बी क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन यह थ्री माइनस टू आई इंटू टू प्लस थ्री आई अपॉन में यह वन प्लस टू आई और इंटू में क्या है टू माइनस आई। अब देखिए न्यूमरेटर में भी प्रोडक्ट के फॉर्म में और डिनोमेटर में प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो पहले हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस थ्री से क्या कीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री इंटू टू हो गया सिक्स प्लस थ्री इंटू थ्री आई हो जाएगा नाइन आई, माइनस टू आई को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू आई इंटू टू हो जाएगा माइनस फोर आई, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सिक्स, और आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर अपॉन में इस वन से क्या करें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज होगा टू माइनस आई, और ये टू आई से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए टू आई इंटू टू हो जाएगा प्लस फोर आई, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये टू आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू आई स्क्वायर। आगे देखिए तो हो जाएगा सिक्स, नाइन आई में से फोर आई जाएगा तो हो जाएगा फाइव आई, ये माइनस सिक्स इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन में हो जाएगा टू, ये फोर आई में से आई जाएगा तो हो जाएगा प्लस थ्री आई, ये हो जाएगा माइनस टू इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन। आगे देखिए ये हो जाएगा सिक्स प्लस फाइव आई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सिक्स अपॉन में ये हो जाएगा टू प्लस थ्री आई, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू इंटू वन हो जाएगा टू हो जाएगा। आगे देखिए सिक्स प्लस सिक्स हो गया ट्वेल्व प्लस फाइव आई अपॉन में टू प्लस टू हो जाएगा फोर प्लस थ्री आई। अभी दोस्तों देखिए नीचे में यहाँ पर आयटा है, तो नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर आयटा नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर आयटा नहीं रहना चाहिए, इसको हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे। देखिए ट्वेल्व प्लस फाइव आई एज इट इज अपॉन में फोर प्लस थ्री आई एज इट इज, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइड से, फोर प्लस थ्री आई है सपोजिशन क्या हो जाएगा फोर माइनस थ्री आई अपॉन में ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री आई। आगे देखिए अब इस ट्वेल्व से क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेल्व इंटू फोर हो जाएगा फोर्टी एट माइनस ट्वेल्व इंटू थ्री आई हो जाएगा थर्टी सिक्स आई, फाइव आई को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ट्वेंटी आई हो जाएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस फाइव थ्री फिफ्टीन आई स्क्वायर अपॉन में, देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे, इसको ए लेट कीजिए तो ये भी ये हो गया, इसको बी लेट करेंगे तो ये भी हो जाएगा, बीच में साइन प्लस का है
ए प्लस बी और यहाँ माइनस का साइन है ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर यानी कि फोर का स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का जगह कितना है थ्री आई है, तो थ्री आई का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए हो जाएगा हम लोग 48, देखिए 20 आई में से 36 आई जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 16 आई हो जाएगा, और ये जाएगा माइनस 15 इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है याद रखिएगा कि आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है माइनस 1 होता है। ओके आगे देखिए, ये हो जाएगा 16 माइनस 3 आई का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 आई स्क्वायर, तो 48 माइनस 16 आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15 अपॉन में 16 माइनस 9 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। आगे देखिए, 48 प्लस 15 ये हो जाएगा 63 माइनस 16 आई अपॉन में ये हो जाएगा 16 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9। आगे देखिए, 63 माइनस 16 आई अपॉन में ये हो जाएगा 25। देखिए ऊपर में दो टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म है, तो अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 63 अपॉन में 25 माइनस 16 अपॉन में 25 और ये हो जाएगा आई। तो देखिए ये क्या है, रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि आप प्लस यहाँ पे ए प्लस आई बी का मतलब हो गया कि आपके यहाँ पे प्लस है होना चाहिए, तब इसको हम लोग प्लस ऑफ माइनस तो लिख ही सकते हैं कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर सकते, लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर ए प्लस आई बी इक्वल टू कितना 63 अपॉन में 25 माइनस 16 अपॉन में 25 और ये हो गया आई। तो ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिखेंगे जेड इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे लेट जेड इक्वल टू 63 अपॉन में 25 माइनस 16 अपॉन में 25 और ये आई। इसका कंजुगेट्स हम लोगों को निकालना, तो लिखेंगे देयरफॉर कंजुगेट्स को किसे इंडिकेट करते हैं, जेड बार से, इसका क्या हो जाएगा रियल पार्ट पे एडिटिव यानी कि 63 अपॉन में 25 और इमेजिनरी पार्ट के पीछे का साइन क्या होगा चेंज होगा, तो इमेजिनरी पार्ट के पीछे साइन क्या है नेगेटिव है, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 16 अपॉन में 25 और ये हो जाएगा आई। इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है अपोजिट साइन होता है, ये नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव रहता तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए आप दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करिए जो बताइए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।